लाइबिलिटी क्लॉज लाइबिलिटी क्लॉज क्या कहता है द लाइबिलिटी क्लॉज मेंशन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर जैसे दस रुपए का शेयर है तो आपकी लाइबिलिटी कितनी होगी सर दस रुपए ही होगी ऑफ द कंपनी इनकेस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाई शेयर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट हैलॉज ऑफ अफेक्ट द लाइबिलिटी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर प्रोविजन है कि आप लाइबिलिटी के अफेक्ट को मेंबर लिमिटेड एक्सटेंड ऑफ द अमाउंट उतना ही रहेगा जितना अनपेड पोर्सन है जैसे दस रुपए का शेयर था दस में से आपने आठ दे दिए दो आपने नहीं दिए तो कंपनी के ऊपर कितना भी कर्जा हो आपकी लाइबिलिटी दो रुपए ही रहेगी समझ में आई बात आपको तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी मस्ट है अमाउंट ऑफ विच ईच यानी एक होता है शेयर्स जो खरीदते हो ना तो दो तीन तरीके से हो सकता है एक हो सकता है आपका कि आपने लिमिटेड बाई लाइबिलिटी का मतलब है कि आपने कंपनी के जो शेयर्स खरीदे वो इस पे खरीदे कि आपका दस रुपए या दस रुपए की लाइबिलिटी कुछ ऐसा होता है जो कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है तो वो मैंशन करना पड़ेगा कि शेयर होल्डर की कितनी लाइबिलिटी है तो ये हो गया लाइबिलिटी क्लॉज क्या इसको भी बदला जा सकता है जी हाँ इसको भी बदला जा सकता है क्या क्या ध्यान रखना है वो देखते हैं सर इसको बदलने के लिए ऑर्डिनरली इट कैन नॉट बी ऑल्टर जनरली ये नहीं होता सो एज मेक लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर मेंबर के लाइबिलिटी को नहीं बदला जा सकता अनलिमिटेड में अनलिमिटेड के केस में हाउएवर हाउएवर विद इन द अथॉरिटी ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कानून बना रखा है कि बदला जा सकता है अ कंपनी पास स्पेशल रेजोल्यूशन उस केस में कंपनी पास कर सकता है स्पेशल रेजोल्यूशन और इसको बदल सकता है समझ में आई बात आपको कहता है क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेक द लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर और एनी अदर डायरेक्टर मैनेजर अनलिमिटेड अगर कोई ऐसा डायरेक्टर है या डायरेक्टिंग मैनेजर है जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है बट इस सच केस एनी पर्सन होल्डिंग ऑफिस डायरेक्टर जो ऑफिस को अभी अभी ज्वाइन किया है उसकी लाइबिलिटी को चेंज करोगे मैनेजर बिफोर सच ऑल्टरनेशन सेल नॉट बी लाइबल नॉट बी लाइबलटिल द एक्सपायरी ऑफ हिज परजेंट ऑल्टरनेशन यानी जब मैनेजर से पहले जो लाइबिलिटी था उतना ही लाइबिलिटी रहेगा नए वाले लाइबिलिटी के लिए तब तक वो लाइबल नहीं होगा जब तक इसे बदला नहीं जाता जैसे मान लेते हैं ये प्रोसीजर चल ही रहा है बदलने का और मैनेजर की लाइबिलिटी एक लाख थी पहले और अब इसमें हम प्रोविजन डाल रहे हैं कि उसकी लाइबिलिटी होने वाली है पांच लाख और इसी टाइम पे ये डिफॉल्ट कर दिया और इसके ऊपर पांच लाख की लाइबिलिटी आ गई लेकिन आपका एमओए चेंज हुआ ही नहीं तो उसकी लाइबिलिटी एक लाख ही मानी जाएगी which are likely to be impose additional liability on the member on which likely to be compel member by the additional share of the company after the date which become member not the except the consent of the member cancelled writing japtak wo writing mein in case of company happened क्लब और एनी एसोसिएटेड मेंबर तो उसके लाइबिलिटी तो इसका मैं बताऊं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं पार्ट है ये लाइबिलिटी क्लॉज वाला सबसे इंपॉर्टेंट है एड्रेस क्लॉज और आपका कौन सा है सिचुएशन क्लॉज एड्रेस सिचुएशन तो एक ही हो गया नेम क्लॉज ये इंपॉर्टेंट है आपका सर कितने पार्ट थे इसके अंदर देख लेते हैं सर एक बार स्टार्टिंग से आते हैं मैंने बताया था हमने ये कर लिया हमने सिचुएशन कर लिया ऑब्जेक्ट कर लिया लाइबिलिटी अब क्या रहेगा कैपिटल क्या हमारा एसोसिए, आपका सब्सक्रिप्शन या फिर एसोसिएशन क्लॉज क्लॉज का मतलब एक वर्ड है एक पैराग्राफ है जो लिखते हैं इसमें क्या इसको चेंज करेंगे नहीं करेंगे तो सिर्फ क्या रहेगा हमारा कैपिटल क्लॉज कैपिटल क्लॉज के बाद चैप्टर खत्म और इसमें से आपके कम से कम तो दस नंबर के सवाल आएंगे ही आएंगे